वालेकुम। तो आज वेनसडे 30th और आज जो हमारा और कोई मैच तो है नहीं कतर में देखने के लिए, मतलब हमारी टिकट नहीं उसमें, तो हम और कतर ही घूमने आ रहे हैं। तो आज का दिन कतर ही घूमेंगे पूरा, और हमें यहाँ से सीधा वहाँ मेट्रो तक जाना है जहाँ 15 मिनट की वॉक है। इस वक्त थोड़ी खाली है, कल ये पूरी भरी हुई थी, हमसे खड़ा होना पड़ रहा था। इधर कोई एड शूट होगा फुटबॉल का। आज सऊदी का मैच है तो सारे सऊदी फैंस भी हैं और अर्जेंटीना का मैच भी है, और इन्होंने फ्लेमिंगोस को पता नहीं क्या किया हुआ है यहाँ पे। ये एरिया बिल्कुल टर्की जैसा है, ये इधर स्पाइसेस भी और वहाँ पे पीछे आइसक्रीम जो वो भी थे, पर यहाँ पर सुकून है। दीज आर चूजर लाइक यू। वैसे भी बहुत थक गए थे, 2 बजे से निकले हुए हैं, अभी 8 हो रहे हैं, तो अब हम सीधा जा रहे हैं घर, वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो हिम्मत वैसे मुझे नहीं थी ये भी बनाने की, लेकिन बना लेता हूँ। तो दोनों मैचेस हो गए हैं, सऊदी हार गया मेक्सिको से, तो ना सऊदी क्वालिफाई हुआ ना मेक्सिको, और अर्जेंटीना जीत गया तो अर्जेंटीना क्वालिफाई हो गया, और उसका मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ राउंड ऑफ 16 में। तो ये अच्छी खबर है मेरे लिए एज ए मेसी एंड अर्जेंटीना फैन। तो बाकी का ब्लॉग कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। द नेक्स्ट डे, तो इस वक्त हम स्विमिंग करने, जैसा आप देख सकते हैं हमने ये पूरा ही पूरा का रेंट करवाया हुआ है। इस वक्त 11 बज रहे हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं आया, और सिर्फ हमें इतने फारिग हो जाए यहाँ पे। इस वक्त मैं हिल बिल्कुल नहीं सकता, इतना ठंडा पानी है, थोड़ा प्रोसेस कर रही है मेरी बॉडी की अचानक से ठंडा पानी।
तो स्विमिंग करने में रेहान के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है जिसके बाद हम जा रहे हैं। तो ये जो ये दो टब हैं फ्लोटिंग वाले, ये ना रेहान ने एक मुझे दिया, एक खुद लिया, फिर यहाँ पे आया। बिल्कुल यहाँ पे जब आया रेहान तो ये पता नहीं क्यों उससे निकल गया, पता नहीं क्या इसके दिमाग में था, निकल गया। फिर ये डूबना शुरू हो गया, ये आवाज़ भी नहीं निकाला था इसने, बस एक पानी में हाथ मारा, फिर मैंने पीछे देखा, फिर मैंने इसको निकाला, फिर ये तब से रोके, फिर ये अपसेट हुए और अब हम जस्ट जा रहे हैं, चेंज करके जा रहे हैं। बोल भी नहीं रहा कुछ अब। तो स्विमिंग के बाद मेरे इस कान में पानी चला गया, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, ये कान पूरा बंद हो गया। और अब हम बाहर निकल रहे हैं DECC में, जहाँ पे देखेंगे कि टिकट्स किसी और मैच के अवेलेबल हैं तो वो ले लेंगे। तो इन्होंने हमें इधर से वापस भेज दिया, कहा कि बंद हो गया, टिकट्स खत्म हो गए। हाँ, सोल्ड आउट, कल भी इज्जत ही नहीं, अर्जेंटीना का भी मैच देखना था लेकिन नहीं। हमें नहीं मिली तो अब हम कोई घूमेंगे, अभी तो हम कतारा स्टेशन जा रहे हैं। चेंज ऑफ प्लान, हम कॉर्निश आ गए और ये हम 2018 में या 19 में कतरा आए होंगे, तो ये वही जगह है, ये वो जगह है। अलविदा पार्क है, इधर से हमें वापस वहाँ मेट्रो में जाना है, वहाँ से अपनी स्टेशन लगती थी और वहाँ से फिर कहीं और घूमने का देखेंगे। بحر المقلة لمعته كم ذهب، بحر المقلة لمعته كم ذهب ومحوت في
तो ये प्राइम जो मैंने कल कहा था कि ये भी लेंगे और ये हमने लिए आइस पॉप, ये फ्लेवर मैंने ट्राई किया, ये अच्छा है, लेकिन हाइप मुझे अभी भी इसकी समझ नहीं आ रही कि प्राइम इतनी हाइप क्यों है, लेकिन अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही, आज का दिन भी रिकॉर्ड किया और कल का आखिरी दिन होगा कतर में, वो भी व्लॉग में आएगा, तो वो तीनों दिन साथ में एक ही व्लॉग में होंगे। तो बस द नेक्स्ट डे, तो आज हमारा आखिरी दिन है कतर, आज के लिए भी फिर घूमने जा रहे हैं। चार दिन में पहली बार सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। तो अभी मैं सर सीन हुआ है, मैं जा रहा था फैन फेस्टिवल मैच देखने जा सके, हमने क्यूएन भी लाइन से बस मेट्रो ली, हमारे लखीफिया स्टेशन से हमें जाना था विदा, क्योंकि फैन फेस्टिवल विदा है विदा पार्क में, जहाँ उतरे बेटा से वहाँ इस साइड से वहाँ साइड पूरी चल के गए। मुझे भी तो वीडियो में लाओ। उसके बाद बस में हमें या हम चल के सीधा उस कॉर्नर स्टेशन तक गए, उसके बाद बस में आके फिर यहाँ फिर 10 मिनट्स की वॉक और है। तो चल रहे टीवी की तरह बना रहे Joof shot the song. How are we feeling, FIFA Fan Festival? Are we doing good? Do we have high energy? When? Huh? Let's see how many people have attended. 10 people. 100. 500. 1,000. 10,000. 50,000. 100,000. 500,000. 1 million people. 1 million fans, million مشجع, 1 million. घर वापस आ गए थे और कल सुबह हम जब निकल जाएंगे रियाद के लिए वापस, तो आज के व्लॉग के लिए बल्कि नहीं पिछले 3 दिन के व्लॉग के लिए इतना ही था, और फिर मिलेंगे किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।